पिछले पाठ में हमने दो अंकों वाली संख्या को एक अंक वाली संख्या से भाग करना सीखा। इस पाठ में हम इसके कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आज अप्पू मार्केट में खरीदारी करने आया है। वो पहले भोला के सब्जी के स्टॉल से सब्जी खरीदने आया है। जब वो भोला से आलू खरीद रहा था, तभी उसे याद आया कि उसके पड़ोसी चंदा और गोलू ने भी उसे मार्केट से आलू लाने को कहा था। लेकिन अप्पू ये भूल गया कि उन्होंने उसे कितने आलू लाने को कहा था। अप्पू ने 18 किलो आलू खरीद लिए। अब अप्पू सोच रहा है कि वो चंदा, गोलू और उसके बीच आलू बराबर बांट लेगा। लेकिन वो ये पता नहीं लगा पा रहा है कि उसे चंदू और गोलू को कितने आलू देने होंगे। बच्चों, क्या आप अप्पू की मदद कर सकते हैं? अप्पू को 18 किलो आलू के कितने बराबर भाग करने होंगे? 3। मान लो ये एक एक किलो आलू की 18 थैलियां हैं। अब यदि हम 18 के 3 बराबर भाग करें तो हर भाग में कितने किलो आलू होंगे? बिल्कुल ठीक, 6 किलो। अप्पू को, चंदा और गोलू को 6-6 किलो आलू देने होंगे। अप्पू ने भोला को उन 18 किलो आलू को 3 6-6 किलो की थैलियों में बांटने को कहा और मार्केट में वस्तुएं खरीदने चला गया। अब अप्पू बड़बोले चाचा की दुकान पर आया है। अप्पू को एक कपड़ा बहुत पसंद आया। उसने बड़बोले चाचा से उस कपड़े का 30 मीटर का एक टुकड़ा खरीदा। जब अप्पू घर लौट रहा था तो रास्ते में उसने सोचा कि वो और उसका बेस्ट फ्रेंड गोलू उस कपड़े से एक जैसा शर्ट सिलवाएंगे। अब अप्पू सोच रहा है कि उसे गोलू को कितने मीटर कपड़ा देना चाहिए। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि अप्पू इस प्रश्न का हल कैसे ढूंढ सकता है? जी हाँ, अप्पू को उस 30 मीटर के कपड़े को 2 समान हिस्सों में बांटना होगा। मान लो ये एक एक मीटर के 30 कपड़े हैं। अब अगर हम 30 के 2 समान भाग करें तो हर भाग में कितने मीटर होंगे? बिल्कुल सही, 15 मीटर। अप्पू चाचा की दुकान की तरफ मुड़ गया और उसने चाचा से उस कपड़े को 2 15 मीटर के टुकड़ों में कटवा दिया। अब अप्पू गोलू की डेरी पर उसे वो कपड़ा देने चला गया। गोलू खुश हो गया और उसने अप्पू को 27 लीटर दूध देकर कहा कि वो 9 दोस्त मिलकर उस दूध को बराबर बांटकर पिएंगे। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि अप्पू के हर दोस्त को कितने लीटर दूध मिलेगा? शाबाश बच्चों, आपने इसका बिल्कुल सही उत्तर ढूंढा है। अप्पू के हर दोस्त को 3 लीटर दूध मिलेगा। बच्चों, इस पाठ में हमने 2 अंकों वाली संख्या को 1 अंक वाली संख्या से भाग करने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे।